अब आपको लिए चलते हैं सीधे जयपुर, जहां जी यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईद को लेकर मार्केट में क्या रौनक है, इसको लेकर हमें बताएं। देखिए जिधर कल जिस तरीके से ईद मनाई जाएगी और दो साल बाद ये ईद का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजारों में कितनी जो खुशियां हैं वो लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है। जो मायूस चेहरे थे, जो दो साल से जो मायूस थे क्योंकि ईद नहीं मनाई जा रही थी कोविड के चलते, कोरोना का जो कहर था वो देखने को मिल रहा था, उसके बाद जब कोरोना जब गया है तो किस कदर चेहरे के जो खुशियां जो नजर आती है वो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं इस समय रामगंज बाजार में हूँ, यहाँ पर मेरे कैमरे के पीछे जो मेरे सहयोगी है सुनील, मैं उनको कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए लोगों की, जो भीड़ भाड़ है इस पूरे बाजार में बनी हुई है। साथ में इस समय हम जो छोटी रहमानी मस्जिद है यहाँ पर खड़े हुए हैं, और जो ईद पर जो जश्न होता है तो जश्न को यहाँ पर जश्न के तहत यहाँ पर पूरी जो मस्जिद थी, जो छोटी रहमानी मस्जिद है उसको यहाँ पर सजाया गया है। उससे महज यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर बड़ी मस्जिद है, बड़ी रहमानी मस्जिद है, उसको भी यहाँ पर सजाया गया है। लेकिन ईद के इस त्यौहार पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, देर रात तक यहाँ पर खरीदारी का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पूरा रामगंज जो बाजार है वो खचाखच नजर आ रहा है, और इस बाजार में जितनी भी दुकानें हैं वो तमाम जो लोग हैं दुकानों को सजावट करके यहाँ पर अपने सामान की यहाँ पर बिक्री कर रहे हैं। लोग भी यहाँ पर घरों से निकल करके सामान खरीदने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। साधु सज्जा का जो सामान होता है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे टूटियाँ हों, चाहे खाने पीने के पकवान हो, तमाम चीजों की खरीदारी करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखते हैं हमारे जो सहयोगी केंद्र की तस्वीरें, उन तस्वीरों के माध्यम से साफ अंदाजा लगा सकता है कि लोगों के चेहरे पे कितनी जो खुशियाँ हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ पर व्यापारी हैं, जो हमसे बातचीत करते हैं, ये लोग जो है लंबे समय के बाद यहाँ पर चेहरे पे, और ये लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, किस तरह की जो रौनक है यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरह की रौनक है? बहुत बढ़िया रौनक है, बहुत अच्छा है। दो साल बाद ईद का त्योहार मना रहे हो, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, दो साल के बाद इतनी खुशी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। आप आएंगे? जी बहुत अच्छा सर, बहुत दो साल के बाद बहुत अच्छा। सुबह से कितनी खरीदारी हुई? लगातार खरीदारी तो लगातार चल ही रही है लोगों की। बहुत अच्छा चल रहा है। आप बताएंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रही है पूरे महीने के अंदर, पूरे महीने ही रौनक खूब रही है पहले रोजे से, और आज चांद रात है, पूरी रात खरीदारी होगी, पूरे मतलब बाजार में कोई लेट रास्ता बंद रहेगा, लेडीज आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, सब बात दो दिन से रास्ता बंद है, और बहुत अच्छे मतलब पुलिस का इंतजाम है, पुलिस का बहुत अच्छा इंतजाम है, पुलिस अच्छा में मिल रहा। अच्छा ये बताइए, दो साल बाद ईद बना रहे हैं आप लोग, कोरोना था, घरों में कैद थे, मायूस थे आप लोग, त्योहार एक त्योहार ही आता है आप लोगों का, उसी को आप सही ढंग से नहीं मना पाए तो निश्चित तौर पर मायूसी देखने को, बहुत मायूसी। लेकिन अब क्या लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है साहब, दो साल तो बहुत बुरे निकले, जैसे निकले जैसे कोई जेल के अंदर आदमी रहता, इस तरह कैद थे कोरोना के अंदर, और कोई ईद किसी ने नहीं मनाई दो साल तक, ये दो साल बाद में है इतनी रौनक, इसलिए जो ज्यादा है इसलिए खरीदारी ज्यादा है। कई अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वजह से दो साल के बाद में गवर्नमेंट ने भाई इस पाबंदी को अलग हटा दिया, तो ये बहुत अच्छी मन रही है। निश्चित तौर पे जो पाबंदियां जो लगी हुई थी कोरोना की, वो उन पाबंदियों को यहाँ पर हटा दिया गया है, यहाँ पर जो रौनक है वो यहाँ पर बाजारों में नजर आ रही है। हम यहाँ पर कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि वो घरों से निकली हैं और यहाँ पर खरीदारी कर रही हैं, और जो कोरोना के बाद जो खरीदारी करने का जो मौका होता है उनको यहाँ पर बाजारों में नजर आता है, क्योंकि ईद का ही त्यौहार होता है, उसी त्यौहार पर यहाँ पर ये लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए बाजारों में आए। हम बातचीत करते हैं यहाँ पर कुछ महिलाओं से कि किस तरह की यहाँ पर खरीदारी, आप बताएंगे कि यहाँ पर ईद का त्यौहार है, खरीदारी करने के लिए आप आए हुए हैं जी, आप बताएंगे? आप बताएंगे? आप बताइए, ईद पे आप खरीदारी करने आए बाजार? दो साल से आप खरीदारी कर रहे थे ईद पे, ईद का त्योहार भी नहीं मना रहे थे, घरों में ही मना रहे थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर दो साल बाद यहाँ पर ईद का ही त्योहार, क्या